जनाब, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। मेरा घर चमोती धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। मैंने एक लोन सेंक्शन लाया था यहाँ डीसी ऑफिस से, खादी विलेज से, 5 लाख रुपए ग्रामीण बैंक के लिए। एक साल हो रहा है और ग्रामीण बैंक वाले ने मुझे बोला आप डीपीआर बनाओ। मैंने डीपीआर भी बनाया, मैनेजर साहब ने बोला कि डीपीआर अपना बनाओ, मैं आपको लोन बिल्कुल दे दूंगा। जब मैंने वो डीपीआर सारा काटा तो मुझे अब एक साल हो गया चलते। अब बोर्डर मैंने तुंद में फिर दुकान पकड़ी। जब मैंने तुंद में दुकान पकड़ी तो वहाँ का मैंने रन डेट भी बनाया। रन डेट में मेरा गवाह है आसिफ खोजा, वहीं पे रहने वाला जहाँ की मैंने दुकान खोल ली थी। और बैंक मैनेजर मेरे साथ आते आते कई बार मुझे रास्तों में मिलने लगा। मैं उससे बोलना सर कर दो मेरा काम। लास्ट उसने मुझे परसों ऐसे बता दिया, मतलब कि लास्ट वार में अब इसमें खर्चा आपका 30,000 होगा, फिर जाके आपका लोन मांगे। वो हम बहुत किस्मती है सर। और क्या मांगा उसने हमसे? 30,000 रुपया सर मांगा उसने। उसमें गवाह वहाँ सरतर के इमिन साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, DDC इलेक्शन लड़ा है उन्होंने, वो भी गवाह हैं। उनकी भी कुछ फाइलें वहाँ लगी हुई थी और बड़े बहुत सारे केस वहाँ से गए हैं सर में जी। और बैंक मैनेजर साहब मुझे मतलब बार बार यही बोलने लगा 30,000 देगा तो काम तेरा बनेगा। और मैंने बैंक मैनेजर साहब से बोला मेरे पास 30,000 होता तो मैंने लोन क्यों निकालना था? इसीलिए मैंने लोन निकालना था, छोटी सी दुकान नहीं, 5 लाख की दुकान मैंने मतलब अपने बोट मेकर काम करना था। वहाँ पे पॉलिश का काम, दुकान यानी होलसेल दुकान मैंने खोलनी थी, मैं काम जानता हूँ पॉलिश का करना। और इसलिए मैंने दुकान भी पकड़ी थी, रनिंग डेट बनाया मैंने। जहाँ मैंने दुकान पकड़ी है वो रिटायर्ड तहसीलदार साहब हैं, उनका रनिंग डेट अभी भी मेरे पास मौजूद है। साल हो रहा है मुझे लोन सेंक्शन नहीं हो रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से और SP साहब किश्तवाड़ से गुजारिश करता हूँ कि ये मुझे दिलवाया जाए। मुझे खर्चा बहुत हुआ है, आना जाना मतलब मेरा बहुत साल में खर्चा हुआ है सर। जी साहब से भी गुजारिश करता हूँ, SP साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि जो मुझे बैंक मैनेजर साहब ने रिश्वत मांगी 30,000 रुपया, इसकी सख्त से सख्त इंक्वायरी की जाए। ये भी हम कहना चाहते हैं सर, अगर हम गरीब लोग हैं, हम गरीबों से रिश्वत लेकर इनको क्या मिलता? अगर ये तनख्वाह भी लेते हैं, एक एक 1.5 लाख रुपया इनकी तनख्वाह चल रही है, फिर भी हमारे से 30,000 रुपया इन्होंने मांगा रिश्वत। ये हाल तो एक मेरा है, बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा? साहब से भी, SP साहब से भी कि इसकी पूरी मतलब तहकीकात की जाए, इसका इंसाफ दिलाया जाए। जी सर, इसका प्रूफ है मेरे पास, इमीन साहब हैं सरपंच के, उनके सामने की बात है ये। उनके सामने उन्होंने बोला कि हमें 30,000 रुपया दे दो और हम आपका काम कर देंगे। इमीन साहब सरतर के गवाह हैं हमारे। दोगे 30,000 रुपया तो हम आपको लोन देंगे, नहीं तो हमारे पास कोई लोन नहीं है। ये हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है। और मैं DC साहब से भी गुजारिश करता हूँ, SP साहब से भी गुजारिश है कि मुझे इसका इंसाफ दिलाया जाए और इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बैंक मैनेजर किश्तवाड़ के खिलाफ सर, ये जो ग्रामीण हेडियाल में रहता है, ग्रामीण बैंक जो है वो हेडियाल में है, ग्रामीण बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी गुजारिश है, दो हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ SP साहब से, DC साहब से कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मुझे एक साल हो गया चलते, क्या मुझे कुछ खर्चा नहीं हुआ है? वो 2,500 रुपये तो मेरे एक ही DPR पे कटा है, उसके बाद हम खर्चा करते रहे आना जाना सर, अभी तक मेरा वो काम बना नहीं, ना मुझे लोन मिला ना मुझे कुछ, और मैं ये चक्कर काटते रहा। गुजारिश है कि इस पर का मुझे इंसाफ दिलाया जाए।